ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील गौर गोविंद महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का क्या क्या कारण है। कुछ सामान्य कारण है और कुछ विशेष कारण है। कल हम लोग तीन कारण हम लोगों ने श्रवण किया था महाप्रभु इस जगत में क्यों आए हैं और उसमें जो सबसे जो मुख्य कारण है हम आज उसको सुनेंगे। उसको पहले कुछ महाप्रभु की कथा सुन करके लास्ट में उसमें केवल राधा जी की महिमा है और लास्ट में श्री राधा रानी की कथा सुन करके उसके हम समाप्त करेंगे। महाप्रभु जगत में आने का जो कारण है कति जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यः। भगवान इसी जगत में अवतरण होकर के जगत में जब तब धर्म नष्ट होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगती है तब तब इसी जगत में भगवान अवतरण होकर के धर्म को स्थापित और अधर्म को विनाश करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमान महाप्रभु कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन को कैसे प्रदान किया और दूसरे दूसरे संप्रदाय में भी हरिनाम करते हैं। बोले हम भी हरिनाम करते हैं लेकिन हमारे हरिनाम उनका हरिनाम में क्या फर्क है। कहते हम लोग ये हरिनाम नहीं कल हम श्रवण कर रहे थे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह ये हरिनाम नहीं ये चिंतामणि है। जब इसे हरिनाम को
एक कर्मी जब ये हरिनाम को जप करता है, हरिनाम उसको क्या देता है? स्वर्ग भोग कामना प्रदान करता है, हाँ? उसको भक्ति प्रदान नहीं करता है। एक समय हम किसी गुरुवर्ग को उसे सुना है, इसी जगत में हम देखते हैं जैसे टाटा बिरला रिलायंस कंपनी, इधर सबसे बड़ा धनी कौन है? इधर सबसे हाँ? इधर कौन है धनी? है ना क्या? इसलिए कहते इनको भैया इतना पैसा कहां से मिला? एक व्यक्ति रोटी नहीं जुगाड़ पाता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास में इतने पैसा जिसका कोई था नहीं पता कहां मेरे कितना पैसा पड़ा हुआ है। बोले इतने पैसा उसने ऐसे क्या कर्म किया जो इतना पैसा मिल गया? कहते उन्होंने हरिनाम तो किया है, क्यों कल हम सुन रहे थे नाम नहीं वो चिंतामणि, हरिनाम तो किया है, लेकिन हरिनाम करते करते समय उन्होंने भगवान की भक्ति की प्रार्थना नहीं की। कहते संसार का भोग की उन्होंने वासना की है, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ देता है। इसलिए कर्मी जब ये हरिनाम कीर्तन करते हैं उनको ये हरिनाम उनको भोग प्रदान करता है। कहते एक ज्ञानी भी ये हरिनाम करता है, अब वृंदावन में जाओ देखो वो भी हरे कृष्ण नाम जब 24 घंटा उनको चलता है। रावण रीति में जाओ देखो उनका मंदिर में 24 घंटा महामंत्र चलता है। पर ये महामंत्र उनको क्या प्रदान करता है? बोले मुक्ति देता है, उनको मोक्ष प्रदान करता है, हाँ? कहते एक जो वैकुंठ जाता है हरिनाम उसको वैकुंठ प्रदान करता है, जो अयोध्या चाहता है हरिनाम उसे अयोध्या प्रदान करता है, जो व्यक्ति द्वारका चाहता है उसको द्वारका देता है, मथुरा चाहता है मथुरा देता है, और ब्रज को चाहता हो तो ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर हमारे महाप्रभु की परंपरा में अगर इसको जप करे उसको ब्रज तो देता है, लेकिन महाप्रभु के अनुगत्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य में जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते उसको दो लड्डू मिलेगा। कि दो लड्डू मिलेगा? बोले क्या मिलेगा? बोले यही हरि नाम उसको गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा प्रदान करेगी, और यही हरि नाम उसको स्वत दीप में महाप्रभु को धाम में महाप्रभु को सेवा प्रदान करेगा। जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते ये महाप्रभु का लीला में श्री रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में ये रूप मंजरी, श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु को लीला में ये सनातन गोस्वामी कहते कृष्ण लीला में ये लवग मंजरी, श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु की लीला में जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन सा मंजरी? विलास मंजरी, हाँ? श्री स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में ललिता सखी, हाँ? इसलिए सबसे पहला दिन हम लोग ने श्रवण किया था जब महाप्रभु ने जब राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक स्वरूप हो गए, जितने सखियां थी देखा ये क्या हो गया, ये राधा कृष्ण मिलकर के एक स्वरूप से चैतन्य महाप्रभु हो गए, जितने सखियां थी ना सब सखा बन गए, हाँ? इसलिए कृष्ण लीला में सब सखियों को लेकर के आए, राम लीला में श्री सीता जी को लेकर के आए, लेकिन महाप्रभु लीला में कोई स्त्रियों को नहीं लाए, बोले इनको लाने में बड़ा गड़बड़ी होता है। रामलीला किस लिए हुआ? सीता के लिए, महाभारत ये द्रौपदी के लिए हो गया, पूरा कृष्ण लीला, हाँ? कहते कृष्ण को भी दास किया लोग बदनाम किए, बोले इनको नहीं लाना है, अभी पुरुष रूप में आएंगे और जितने जितने सखियों को सब पुरुष रूप में आओ, और महाप्रभु उन्होंने क्या किया पुरुष रूप में महाप्रभु आकर के जो कृष्ण लीला को जो निंदा कर रहे थे लोग, कृष्ण लीला को जो ये समझ नहीं पा रहे थे, ए कथल मत बजाओ ए बच्चों, इसलिए जो कृष्ण लीला को जो समझ नहीं पाए फिर महाप्रभु रूप में आकर के उन्होंने स्वयं राधा कृष्ण महाप्रभु रूप में आकर के ये गोपियों की महिमा राधा रानी की महिमा सीता जी की महिमा को उन्होंने व्याख्या किया, बोले ये मूर्ख लोग समझ नहीं स्त्रियों का महिमा, इसलिए उन्होंने
आकर के उन्हीं की महिमा को, उन्होंने गोपियों की महिमा को गाए, राधा जी की महिमा को गाए, सीता जी की महिमा को, महाप्रभु को अवतार में उन्होंने उनकी महिमा को उन्होंने गान किया है। इसलिए किसी जगत में महाप्रभु आने का जो एक कारण है, हाँ, जगत में इसी हरिनाम संकीर्तन को द्वारा उन्होंने ब्रज प्रेम और गौरव प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। कहते ये सब कारण है। बोले और क्या कारण है लेकर के महाप्रभु आए इसी जगत में? कहते महाप्रभु बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले भक्तों के ऊपर में भगवान अनुग्रह कृपा करने के लिए उन्होंने अलग अलग उन्होंने अवतार महाप्रभु रूप में आए। अगर महाप्रभु जन्म नहीं होते, अगर ये मधुर मधुर लीला नहीं करते, फिर हम क्या महाप्रभु कथा कहाँ से सुनते? कथा ही नहीं सुनते। इस समय बैठ करके आज मैच हो रहा है ना फुटबॉल का, इसलिए कुछ लोग यहाँ आए नहीं, हाँ फुटबॉल खेल देख रहे हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ आए नहीं। इसलिए जो लोग आए हैं समझो आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, हाँ, क्योंकि फुटबॉल का नशा, हाँ, आज हॉलैंड जीतेगा कि हारेगा, इसलिए सब कुछ बैठ कर देख रहे हैं। इसलिए आप लोग जो आए हैं ये भी एक कली का स्थान है, हाँ, क्योंकि ये भी कली है, ये खेल एक तरह का एक कली है, लेकिन आप लोगों ने कली को छोड़ करके भगवान के लिए आए हैं। आप लोग कली से मुक्त है, आप लोग कली से मुक्त है। इसलिए इसलिए कहिए जगत में महाप्रभु अपना भक्तों को मधुर मधुर लीला करके उनको अपना लीला रस में डुबाने के लिए प्रभु ने जगत में ठाकुर जी ने अवतरण हुए। बोले ये एक कारण है। बोले और क्या कारण है? बोले जो भक्त स्वरूप सिद्धि में आए हैं उनको वस्तु सिद्धि दिलाने के लिए आए हैं। बोले स्वरूप सिद्धि का मतलब होता है हर जीव के अंदर में भगवान का प्रति एक भाव विद्यमान है, एक भाव विद्यमान है। किसके अंदर में सख्य है, किसमें वात्सल्य है, किसमें मधुर है, सबका अंदर में एक भाव विद्यमान है। कभी साधना भजन करते करते कर जब ये भावावस्था होता है, ये भावावस्था में जीव का स्वरूप प्रकट होता है। उसको पहले जीव का स्वरूप प्रकट नहीं होता है, हम कौन हैं भगवत लीला में, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसी अवस्था में ही ये वस्तु। ऐसे नहीं बाबा जी जैसे है, हाँ, जो आया वास्तु अमुक मंजरी, अमुक तुम्हारे सखी, अमुक वस्त्र, अमुक नाम, अमुक तुम्हारी सेवा, हाँ, इसलिए उनको इचड़ पाता अपो को अवस्था में सब नाम फाम दे देते हैं। कहते नहीं, ये स्थिति साधारण स्थिति नहीं, बहुत उच्च स्थिति है। हम भी कभी कभी कह देते हैं भैया ये तो उत्तम भागवत, ये मध्यम भागवत, ये कनिष्ठ भागवत, ये चीज भी साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए हमें भी ये सब चीज को नहीं बोलनी चाहिए। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव चिन्हित नारे देवेरे सकती, वैष्णव को देवता लोग भी नहीं पहचान सकते हैं, इतने वैष्णव की उच्च पद्धति। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जब आए उनको कोई नहीं पहचान पाए, लेकिन एक प्रभुपाद उनको पहचाने, क्योंकि प्रभुपाद ये नयन मणि मंजरी, ये साधारण व्यक्ति नहीं, वो उन्होंने पहचाने ये महाभागवत है, हाँ? इसलिए कोई बोलता ना अमुक महाभागवत, बोले तुम कैसे पहचान लिया अमुक महाभागवत, बोले तुम पहला नंबर महाभागवत, फिर दूसरा नंबर वो महाभागवत होगा, क्योंकि एक जौहरी चीन है, जो एमए नहीं पढ़ा है वो एमए एक छात्र को नहीं पहचान सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे तुम बोल रहे हो महाभागवत, तुम पहले महाभागवत तुम, फिर तुम उसको पहचाना। इसलिए जैसे तैसे व्यक्ति को जो प्रभुपाद आए ब्रज धाम में, उन्होंने सुना ये वृंदावन में एक महाभागवत साधु है, उनका नाम कृष्णदास बाबा जी महाराज था, सब इनको महाभागवत कहते थे। तब प्रभुपाद देखने के लिए गए, बोले देखो कनिष्ठ अधिकारी है, बोले कनिष्ठ अधिकारी है, और उसको सारा दुनिया कहते थे महाभागवत महाभागवत। इसलिए साधारण व्यक्ति कौन उत्तम अधिकारी, कौन मध्यम अधिकारी, कौन कनिष्ठ अधिकारी, साधारण व्यक्ति ये चीज को नहीं पहचान सकता है, वो साधारण वस्तु नहीं, हाँ। इसलिए
इसलिए जगत है, हाँ जगत में क्यों भगवान आते हैं, बोले भगवान इसलिए आते हैं अभी जिनको स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हुई उनको योग माया उनको प्रकट लीला में फिर जन्म देता है। जब प्रकट लीला में जन्म देता है फिर नित्य परिकरों का फिर उनको संग प्राप्त होता है। संग प्राप्त करके धीरे 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 उनका भाव फिर इनके अंदर में संक्रमित होता है। संक्रमित होकर के नित्य सिद्ध भक्तों का, जैसे गोपियों ने दूसरे दूसरे अवतार में जो गोपी भाव को पाना चाहते थे सब द्वापर युग में आए। जो नित्य सिद्ध गोपियां थी ललिता विशाखा इनका इनका संग प्राप्त करके फिर इनके भाव पुष्टि होता है, फिर उनको स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि मतलब फिर चिरकाल के लिए नित्य परिकरों का संग प्राप्त करके भाव को पुष्टि प्राप्त करके दिव्य रास में प्रवेश करते हुए फिर उनको भगवत प्राप्ति होता, फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र में फिर समाप्त। जब तक ये प्रेमावस्था नहीं आएगा ये अवस्था वस्तु सिद्धि, तब तक जीव ये जन्म मृत्यु का चक्र से जीव कभी निकल नहीं सकता है। इसलिए कहते श्री, इसलिए बताए जो स्वरूप सिद्धि भक्तों को वस्तु सिद्धि दिलाने के लिए भगवान इसी जगत में आते हैं। बोले और क्या कारण है, बोले और कारण है, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्बन अहितु किं भक्ति इथं भूत गुणहरि। भगवान अपना सुंदर सुंदर मधुर मधुर प्रभु लीला करके जो आत्मा में रमण करने वाले, जो ब्रह्म में रमण करने वाले, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ये ब्रह्मनिष्ठ थे, जैसे चतुस्सन ये आत्माराम हैं, लेकिन भगवान इतने मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला करते हैं जिनकी लीलाओं को श्रवण करके जिनके माधुर्य को श्रवण करके ये लोग भी आकृष्ट होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का एक श्लोक सुना, कृष्ण कितने सुंदर ब्रह्म ज्ञान को तुच्छ करते हैं, हाँ? जैसे चतुसन भगवत स्वरूप का दर्शन किया तो अपना आत्मा रामता को भी उन्होंने त्याग दिया, देख रहे उन्होंने ये भगवत भक्ति में आए। इसलिए इसलिए कहते भगवान ये सब मधुर मधुर मीठी मीठी ठाकुर जी ये समस्त लीला करते हैं। कहते महाप्रभु, कल हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु किस लिए आए, बल्कि उनका भी बहुत कारण है। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, इंद्र ने कृष्ण का चरण में अपराध किया, देखा कृष्ण हमें माफ नहीं किया, कृष्ण टेढ़े है ना काले टेढ़े, इसलिए हमें माफ नहीं किया। यही जब श्री महाप्रभु का रूप में वही कृष्ण ही जब महाप्रभु बन कर जाएंगे और राधा जी की भाव और अंग कांति को लेकर के आएंगे तब वो बड़े दयालु बनेंगे। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, कहते वृंदावन में किसी तरह से आ जाओ और राधा रानी का नाम किसी तरह से ले जाओ, वास राधा रानी कृपा कर देती है। बोले कोई एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी सुंदरी थी बड़ी प्यारी थी वो, हाँ अभी क्या हुआ शादी के कुछ दिन बाद उसने शरीर छोड़ दी, लेकिन बड़ी पतिव्रता थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। उसका पति तो पत्नी की चिंता करते करते वो पागल हो गया, अभी दिन रात हा किशोरी तुम कहाँ हो, हा किशोरी तुम कितने अच्छी थी, हा किशोरी तुम कहाँ गई, अभी करते 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 कैसे श्री वृंदावन धाम में आ गया। वृंदावन धाम में अभी दिन रात नींद नहीं, हा किशोरी कर रहा है, रात में सोया नहीं, लेकिन वृंदावन में तो नित्य किशोरी श्री राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी लीला करती है, उनका लीला नित्य लीला है। राधा रानी जब सखियों के साथ में लीला कर रही थी, अभी इसको तो नींद नहीं, पत्नी की नशा में हा किशोरी कर रहा है, लेकिन राधा रानी के कान में ये आवाज टकराया। जैसे दो व्यक्ति का एक नाम हो, आप एक व्यक्ति को बुलाओ तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा क्या बात है, क्योंकि एक ही नाम है। इसलिए वो बोले थे हा किशोरी, अभी ये शब्द राधा रानी के कान में टकराया। राधा रानी बोले ललिते ये कौन भक्त है, रात भर सोया नहीं, हा किशोरी बोल करके आतनाद करके हृदय से मेरे को फुकार रही है, फुकार रहा है, लगता है कोई मेरे प्यारा भगत हो गया, जा उसको ले करके आओ। ललिता बोली पागली तेरे को नहीं बुला रही है, बुला रहा है,
उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, उसने शरीर छोड़ दी, बड़ी प्यारी बड़ी पतिव्रता थी, उसको चिंता करते करते पागल हो गया, ये वृंदावन में आ गया। तेरे को नहीं, वो अपना पत्नी को बीबी को बुला रहा है, तेरे को नहीं, तुम चुप रहो। लेकिन वो तो हा किशोरी बोल करके पागल होकर बुला रहा है, हाँ? लेकिन किशोरी तो राधा रानी, उनको कान में बारंबार आवाज टकरा रही, हाँ, क्यों एक ही नाम है वृंदावन में किशोरी राधा रानी। तब राधा रानी बोले, देख ललिते, ये नाम किसका है? ये नाम मेरी है, उसको दी गई थी, लेकिन वो तो किशोरी थोड़ी है, और मेरे नाम उसको दिया गया था, लेकिन किशोरी तो मैं हूं ना। कोई वृंदावन धाम में आए, रात भर मेरे नाम पर उच्चारण कर रहा है, भले ही अपना पत्नी को कहीं नहीं बुला, लेकिन मेरे धाम में बुला रहे, जा उसको लेकर के आ जा। जब उसको ललिता लेकर के आई, फिर राधा रानी आशीर्वाद देती है, राधा रानी कृपा करती है। वो तो एक पागल था, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से अभी दूसरा पागल बन गया, सही पागल बन गया। पहले तो छोटा पागल था, अभी ये सही पागल बन गया है, हाँ? इसलिए जगत में बहुत सारे पागल है, कोई बेटा बेटी का पागल है, कोई नारी का पागल है, कोई पैसा का पागल है, लेकिन कहते सच्चा पागल कौन है? जो पागल श्री बांके बिहारी के, कहते ये सही पागल है। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है राधा रानी। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे कैसे श्री अद्वैत आचार्य भगवान को पुकारा तुलसी और गंगा पानी द्वारा, तो भगवान का आसन हिल गया और सचिनंदन गौर हरि बन करके श्रीमन महाप्रभु श्री नवद्वीप में अवतीर्ण होते हैं। जब महाप्रभु नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, अभी उनको जन्म पत्र दिखाया, इनका भविष्य क्या होगा। जन्म पत्र जब नीलांबर चक्रवर्ती उन्होंने कहते श्री सची माता जो पिता है, उन्होंने जन्म पत्र दे करके उनको सारी भविष्य उन्होंने बताए। बोले इनका नाम होगा विश्वंभर नाम होगा। बोले विश्वंभर क्यों होगा? उसका प्रभुपाद इसका तीन कारण बताए विश्वंभर नाम का। पहला अर्थ है कि यही तुम्हारा जो बच्चा सत्य युग में जब विश्व मतलब विश्व ब्रह्मांड जब जल मग्न हो गया था, पानी में गया था, तुम्हारा यही बेटा बराह अवतार लेकर के उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए विश्व को उधार किया, इसलिए इसका नाम होगा विश्वंभर। उन्होंने एक कारण बताए। दूसरा कारण बताए कि ये विश्व में, हाँ, ये जन्म होते ही ये जो बच्चा पूरा ये पृथ्वी, जैसे ब्रज गोपियां कहती हैं, जैसे साधारण कोई जगत में राजा आए, कोई मंत्री आए, उसके लिए कितने स्वागत होता है। जब श्री महाप्रभु आए, महाप्रभु आने से पहले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है, इसलिए पृथ्वी को, हाँ, पृथ्वी एकदम दुल्हनी का भांति सज गई, सारे वृक्ष में फल फूल पेड़ पौधा हरा भरा हो गया, अपने आप सस्य अपने आप उगने लग गया, सभी के हृदय में दिव्य आनंद, सभी का हृदय भर उठा, हाँ? इसलिए कहते तुम्हारा जो बेटा है इसी जगत में आते ही सबको खाना पीना से परिपूर्ण रूप में सबको प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने विश्व को उन्होंने भरण पोषण खाना पीना देकर उन्होंने भरण पोषण किया, इसलिए एक भरण विश्वंभर है। बोले तीसरा कारण बताया, बोले सबसे जो उन्होंने श्रेष्ठ वस्तु को खिलाया जगत में हरिनाम संकीर्तन को द्वारा उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने भरण पोषण किया, इसलिए इनका नाम है विश्वंभर नाम दिया उन्होंने इनका नाम। फिर उनका संपूर्ण जीवन चरित्र को उन्होंने बताया कैसे जगत में हरि संकीर्तन करके महाप्रभु का जो भविष्य इच्छा था, पृथ्वी ते आच्छजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि विमोरना, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण दुनिया में ये हरिनाम संकीर्तन विश्व ब्रह्मांड में छा जाएगा, गली गलियों में, सड़क सड़क में, नगर नगर में, सबके सब लोग निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सबके सब हरि कीर्तन करेंगे। और ये मूल कहां से प्रारंभ होगा? बोले नवद्वीप में। बोले मूल स्तंभ कौन है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ये मूल स्तंभ। बोले उसमें दो टहनियां निकले, बोले कौन? एक नित्यानंद और एक महाप्रभु। बोले इससे नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, बोले इससे अनंत टहनियां फिर निकले, अनंत उसमें सखाए,
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरतम श्यामानंद श्रीनिवास, फिर उससे बड़े विद्याभूषण विश्वनाथ चक्र ठाकुर, फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर उससे निकले, फिर उसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद निकले। कहते ये प्रभुपाद उसमें इतने एक दिव्य फल आया है, ये प्रभुपाद ऐसे एक दिव्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इतने एक दिव्य वृक्ष टहनिया निकले, सबसे बढ़िया टहनिया निकले। इसलिए हमारे श्री भक्ति पर ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके लिए बहुत बढ़िया बात होता है। बहुत मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था, उन्होंने उनके लिए प्रभुपाद के लिए बात बताया। मतलब अभी तक पृथ्वी में जितने आचार्य आए हैं, इन लोगों ने जगत में जितने धर्म प्रचार किया है, कहते इनके अवगाह इनके प्रचार को एक तरफ में रख दो, और श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो देह प्रचार प्रसार भजन एक तरफ में रखो, देखोगे प्रभुपाद का जो देह ये भारी पड़ेगा, भारी होगा सबसे। जितने अभी तक आचार्य आए इनके प्रचार से इनका प्रचार सबसे ज्यादा भोजन होगा। मैंने कहा भैया ये कैसे बात है, हमारे गोस्वामी लोग भी आए हैं, इतने आचार्य लोग आए, कहते इनके लिए उन्होंने इतने बड़े शब्द कैसे प्रयोग कर दिया। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, कहते ऐसे कैसे, लेकिन मैंने कहा बात सही है। बोले क्यों, कहते ये प्रभुपाद कौन है, कहते वृषभानो सुता दई तानो चरम चरणाश्री तरेणो धरस्तमहम महदद्भुत पावन शक्ति धरम प्रणमामि सदा जो पुतला है, कहते राधा रानी की जो आंखों का जो पुतला है, हम कहते ना मनृंद बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे कुंज हो विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते तदा करी ससीयमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणांगे कोमले प्रभुपाद कौन है। बोले त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक का शोक धारण करने वाले कौन, बोले कदा करी सस्य माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे तुम्हारी कब हमारे ऊपर में तुम्हारी कृपा कटाक्ष, आपका कृपा हमारे ऊपर है। कहते राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है ये प्रभुपाद है, उनका कृपा कटाक्ष। राधा रानी जो देखती है करुणापूर्वमयी, वो बड़ी दयालु राधा रानी, वो जो देखती है नयनों से, कहते वही नयन ही है प्रभुपाद। हाँ, इसलिए जब श्री प्रभुपाद जन्म हुए, बोले भैया ये पुरी में क्यों जन्म हुए, ये राधा रानी का मंजरी है तो कहीं वृंदावन में जन्म लेते, ये पुरी में क्यों जन्म हो गए। हाँ, फिर महाप्रभु देखो, श्री महाप्रभु जिस भाव को वो गोलोक वृंदावन में आस्वादन नहीं कर पाए, हाँ, जो तीन कारण को, तो फिर वो पुरी में भी आस्वादन नहीं, वो पुरी में आकर जन्म हुई। जो स्वरूप दामोदर जललिता वो जन्म का वो पुरी में, कहते राय रामानंद पुरी में जन्म होते, राय रामानंद सिक्की माई माधवी वो भी पुरी में जन्म लेते, ये सब के सब पुरी में जन्म हुए। हाँ, हमारे गौरव गोविंद महाराज भी वो भी उड़ीसा में जन्म हुए। हाँ, कहते ये सब पुरी में क्यों आए, ये तो भगवान का नित्य परिकर है, वो उनको वृंदावन में जन्म लेना, इस सब के सब पुरी में आते हैं, इस सब के सब पुरी में आए।
बोले ये पुरी में क्यों आए, कहते जो पुरी स्थान है, कहते ये कहते जो राधा रानी बड़ी उसको द्वारकापुरी मानी गई, उसको कुरुक्षेत्र मानी गई, प्रभुपाद कुरुक्षेत्र को बड़े महत्व देते। बोले कुरुक्षेत्र क्या है, बड़ी सुदीर्घ विप्रलंब भाव के बाद में जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा, मथुरा से कृष्ण द्वारका चले गए, ब्रजवासी कृष्ण विरह में तड़पड़ाए, कितने कृष्ण विरह में तड़पड़ाए, लेकिन उनका मिलन कहाँ मिले, वो कहाँ पर मिल करके अपना विरह को कहाँ दूर करते हैं कुरुक्षेत्र। इसलिए जगन्नाथ पुरी जब महाप्रभु रथ यात्रा करते, इसी भाव से बड़े दिनों से सही तपरणनाथ पाए, वो जो प्राण प्यारे को श्याम सुंदर को बड़े दिनों में हमने मिला है श्री जगन्नाथपुरी में, इसलिए शुद्धिग्रह जो विप्रलंब भाव को वहीं पर उन्होंने भगवान से मिलकर विरह को दूर करते हैं। इसलिए ये पुरी जो स्थान है, इसलिए महाप्रभु भी वहीं पर आकर के वहीं पर उन्होंने 18 साल तक महाप्रभु वहीं पर रहते हैं, इसलिए प्रभुपाद भी वहीं पर जन्म हुए। और वो 3 दिन तक, आपको पता है जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो रहा था, वो 3 दिन तक रथ यात्रा रथ खड़े हो गए, 3 दिन तक खड़े गए नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का किसी से कहते हैं, बोले भैया स्वयं जगन्नाथ जी आकर के तुम्हारा दरवाजा पर 3 दिन तक खड़े हो गए, ये प्रभुपाद क्यों नहीं आए, कहते प्रभुपाद क्यों नहीं आए। और कमल मंजरी श्री भक्तिमय ठाकुर कहते उनको लाना चाहिए था ना, 3 दिन तक ठाकुर तुम्हारा दरवाजा में खड़े हुए, भगवान आकर तुम्हारे दरवाजा में खड़े हुए, कहां भक्त जाते हैं दर्शन के लिए, भगवान यहाँ पर खड़े हुए और भक्त 3 दिन तक बोले नहीं जाएंगे, बोले उनके पास में दर्शन के लिए हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों, कि कमल मंजरी भक्ति मनो ठाकुर प्रभुपाद को लाना चाहिए था, 3 दिन तक जगन्नाथ जी खड़े को खड़े, हाँ इतना दिन से कारण है क्या, बोले कारण है ये जो प्रभुपाद है ये नयनमणि मंजरी राधा रानी की, हाँ राधा रानी है सख्यात, हाँ कमल मंजरी उनका सखी है, मंजरी मंजर क्या करते हैं, राधा रानी की इच्छा को पूरी करते हैं, इसलिए राधा रानी मान की है। बोले वही काले है ना जो बोला था परसों आएंगे और परसों बीत गया अभी तक भी नहीं आए, हम नहीं जाते, तुम खड़े खड़े रहो, हम नहीं जाएंगे वहां पर, हाँ इसलिए भक्तिमय ठाकुर भी उनको लेकर आए नहीं भक्तिमय ठाकुर। लेकिन जब 3 दिन के बाद में उनको लेकर के आते हैं, जब प्रभुपाद को उन्होंने उनके चरण में प्रणाम कराया, जगन्नाथ जी गला की माला अपने आप टूट कर गिरता है, कहते उनका गला अपने आप माला टूट कर प्रभुपाद ऊपर गिरा, पंडित लोग बड़े आश्चर्य हो गए, बोले बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, हाँ ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं। कहते उनको जो माला टूट कर गिरा था वो माला का नाम अधर, अधर माला है, माला का नाम अधर माला, हाँ वो माला का नाम अधर माला है। कहते श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंड, अगर कभी राधा रानी टेढ़ी नजर से अब कभी कृष्ण को दर्शन करते हैं ना, कहते उनका जो बंसुरी अपने आप गिर जाती है, हाँ उनका सिर का मोर मुकुट अपने आप गिर जाता है, कपड़े कब खिसक जाते उनको पता नहीं चलता। इसलिए मानो ये राधा रानी की कृपा कटाक्ष सही है, राधा रानी है, इसलिए को प्रणाम करते अपने आप उनको गला की माला अपने आप टूट गया, क्योंकि राधा रानी की कृपा कटाक्ष से। इसलिए वो 3 दिन तक जगन्नाथ जी को खड़े कर दिया, राधा रानी आए नहीं, नहीं आए तुम वहीं पर कहो। इसलिए कभी जैसे राधा रानी मान करती हैं, सखियां बाहर खड़ी हो जाती हैं, मतलब कृष्ण को अंदर घुसने में दिया करना, इस काले व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते, जितने काले सब दूर तरह, हाँ ये राधा रानी की ये मान थी। इसलिए कहते श्री कहते प्रभु इस जगत में महाप्रभु भी, हाँ कहते महाप्रभु इस जगत में जो आने का जो कारण है, हाँ हम क्या बता रहे थे, महाप्रभु की उनका नामकरण हुआ है, उनका नाम क्या रखा, विश्वम भर रखा, दुनिया को जो हरि नाम संकीर्तन को द्वारा विश्वम को जो भरना पोषण करते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। कहते महाप्रभु का रुचि परीक्षा की गई, रुचि परीक्षा पता होगा, बहुत सारे सामान रख लेते हैं सामने, खाना पीना बहुत तरह तरह का चीज सब रख लेते हैं। बच्चा जब थोड़ी सी घुटन पर चलना शुरू करता है उसको छोड़ देते हैं, जो चीज को वो पकड़ेगा वो चीज से पता चलता है ये भविष्य में इसका क्या हो, ये भविष्य में इसको क्या होने वाले। उन्होंने महाप्रभु चलते चलते उन्होंने कोई चीज को पकड़ा नहीं, श्रीमद् भागवत को पकड़े, जैसे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने पकड़े, हाँ इसे उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पकड़े, अरे समझ गए एक दिन ये बच्चा संपूर्ण विश्व में
ये विशुद्ध भागवत धर्म को ही ये जगत में प्रचार और प्रसार करेगा, जगत में हाँ ये भागवत धर्म को प्रचार करेगा। और महाप्रभु सचमुच से दुनिया में ये भागवत धर्म को जगत में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। ऐसे महाप्रभु उनका एक नाम उन्होंने निमाय नाम रखा है। बोले निमाय क्यों नाम रखा? बोले नीम वृक्ष को नीचे उन्होंने जन्म लिया, एक कारण है। दूसरा कारण है, महाप्रभु जन्म लेने से पहले 8 उनको जो बहन उन्होंने शरीर छोड़ चुके थे, इसलिए डरे नाम थुल निमाय। बोले कोई बढ़िया नाम रखो ना, ये जमदूत बड़े जल्दी ले जाता है, कोई कड़वी नाम रख दो जिसे जमदूत छुएगा नहीं, इसलिए उनका नाम ये कवि नाम श्री निमाय नाम रख दिया। नीम वृक्ष के नीचे हुए, इसलिए नीम नाम रख, नीम से नाम रख दिया श्री निमाय, इनका नाम रख दिए। इसलिए ऐसे महाप्रभु धीरे 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 जब बड़े हुए, उनका तो अनंत लीला है जिस लीला की कोई अपरंपरा नहीं। मैं जो बात बताना चाहता था वो बात हमें तो बता ही नहीं पाया। मैं सोच रहा था श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए है, मैं सोच रहा था वो रूप शिक्षा को बताने के लिए महाराज जी आपके गुरु जी ये रूप शिक्षा को उन्होंने बताया, और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बात महाराज जी ने बताए थे रूप शिक्षा में, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, उसको थोड़ा सुना देते हैं। आज तो कथा भी डेरे में हुई है, फिर हम सोच रहे थे महाप्रभु आने का कारण क्या, उसको बता देते लास्ट का थोड़ी थोड़ी सुन लेते हैं, ठीक है। आज 10-15 मिनट ज्यादा कथा सुन लेंगे, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री रूप गोस्वामी की जय। इसलिए श्री गुरु जी कहते हैं, कहते श्रीमद चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में विशेष करके उसमें 5 जो टॉपिक है, ये चैतन्य चरितामृत का 5 प्राण है जो उसमें विशेष विषय वस्तु है। जैसे श्रीमद भागवत का उसमें जो रास पंचाध्याय, ये भागवत का ये प्राण है, उसी तरह ये चैतन्य चरितामृत भी 5 जिसमें सब्जेक्ट है वो 5 प्राण है। बोले इसमें 5 सब्जेक्ट क्या है? कहते पहला नंबर जो सब्जेक्ट है, श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को उद्देश्य करके उन्होंने जो रूप शिक्षा को उन्होंने बताया, ये एक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, कहते श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दिया है, जिसको सनातन शिक्षा रूप शिक्षा, ये नंबर 2 है। जो तीसरा है, ये जो जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है, ये अद्भुत चैतन्य चरितामृत में अद्भुत विषय है। कहती रथ यात्रा है, कहती कितना हो गया? कहती है 5, कितना हो गया? 3 हो गया। बोले चौथा जो उसमें जो है, चौथा है, कहते उसमें श्री एक है श्री राय रामानंद संवाद है, महाप्रभु श्री राय रामानंद को उपलक्ष्य करके राय रामानंद में सब्जेक्ट हुआ। और जो पंचमा है, कहते श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में श्रीमन महाप्रभु का जो डिस्कशन हुई, कहते इसमें जो ये 5 सब्जेक्ट भी चैतन्य चरितामृत तो पुराही रसी रस है, हाँ। इसलिए श्री कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी रस भंडारी, रस का भंडारी है, और जतन राखी लो प्रेम हेम कुमारी, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने सोने की एक कलसी के अंदर में ये चैतन्य चरितामृत नहीं, इसको कह दी संपूर्ण प्रेम है जिसको एक सोने की कलसी में उन्होंने रख दिया है, हाँ। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत इतने दुर्लभ ग्रंथ है, जिसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, एक दिन प्रभुपाद उन्होंने शिष्य को प्रश्न किया, बोले ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा ग्रंथ है, एक ग्रंथ अगर जगत से सारी ग्रंथ चली जाए, दुनिया के सारी ग्रंथ चली जाए, लेकिन ऐसे कौन सा ग्रंथ जो एक ग्रंथ जगत में रहेगा, सारी ग्रंथों की अभाव को एक ग्रंथ पूरी करेगा, ये प्रभुपाद का प्रश्न है सब शिष्यों को। किसने कहा ये भागवत है, किसने कहा वेद है, किसने कहा ये गीता है, हाँ, सब अलग अलग बात बताए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हाँ ये ग्रंथ तो ठीक है, लेकिन ये जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, ये ऐसे एक अनमोल ग्रंथ है, हाँ। कहते चैतन्य चरितामृत कोई साधारण है, गुरु जी कहते PhD है ग्रंथ, कहते चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को वही समझ सकता है जो सारे ग्रंथों को पढ़ ले पहले,
ये सारे ग्रंथों को ही पढ़ ले, उसको बाद में अगर ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ेगा तो फिर आप इसको समझ सकते हो। आपको संस्कृत समझना आसानी है लेकिन चैतन्य चरितामृत समझना आसान नहीं। उसमें जो बंगला प्यार में जो ऐसे ऐसे शब्द दिया हुआ है, ऐसे ऐसे शब्द, इसलिए प्रभुपाद जिस समय स्कूल में पढ़ते थे वो चैतन्य चरिता में तो पढ़ा ही होता था, पर प्रभुपाद उनको टीचर के साथ में लड़ाई कर देते क्योंकि उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी से सुने हैं। बोले टीचर क्या बताएगा, जगत टीचर क्या जानता है ग्रंथ विषय में। वो ऐसे एक ग्रंथ है कि अद्भुत श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। इसलिए कभी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में जो पांच जो टॉपिक है, कभी ये पांच विषय नहीं, ये पांच प्राण है। जैसे शरीर है, ये शरीर में अगर कोई प्राण नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगा, मरा हुआ शरीर है। उसी तरह ये चैतन्य चरितामृत पांच जो टॉपिक है, अद्भुत टॉपिक है, जिसमें एक जो टॉपिक है श्री रूप शिक्षा, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दिया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कौन है, बल कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, ये साधारण नहीं, जिनके अनुगत में हम भजन करते हैं। जितने गोस्वामी लोग हो गए हैं इनके अनुगत नरोत्तम दास और क्या करते हैं, रूप रघुनाथ पदे हाइवे अकोति कबे हम बुझबसे जुगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करई सदा नरोत्तम दास। इसलिए चैतन्य चरितामृत का लास्ट पैर में देखना सब जगह आप क्या लिखते हैं, रूप रघुनाथ पते रघु मरास चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास। हर अध्याय के लास्ट में रूप रघुनाथ पते रघु मरास, हां भले श्री रूप गोस्वामी का कब कृपा इनकी होगी। हां इसलिए जिसको श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति स्वपदातीत, सबके सब इनके अनुगत को प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री मन महाप्रभु इनको जो शिक्षा देंगे, समझो कितने हाई फाई शिक्षा होगा, कितने ऊंची शिक्षा होगा। इसलिए श्री गुरुदेव इसको पर बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बात गुरुदेव ने बताई, कभी जो जीव है बोले कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, बोले जीव अनादि काल से भगवान से बिछोड़ होकर के संसार में आए। इसलिए कोई कोई कहते हैं ये जीव वैकुंठ में था वहां से गिरा, गुरुदेव कहते नहीं वैकुंठ से सबके जीव नहीं गिरता है। कृष्ण गीता में क्या बोले, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने पर जीव कभी वहां से नहीं गिरते हैं। अगर वैकुंठ में जाकर अगर जीव गिरे फिर जाने का महत्व क्या रह गया। इसलिए जहां जाने पर कभी जीव इस जगत में नहीं आते, फिर ये जीव आए कहां से। तो गुरु जी कहते हैं ये जो जीव है, कहते जो जीव ये कारण तो गोसाई से आए हैं, हाँ ये कारण तो गोसाई से जीव आए, कहते जो बलदेव प्रभु से जो जीव आते हैं वो नित्य धाम में भगवत धाम में सेवा सुख को भोग करते हैं। उनको पता ही नहीं इस जगत में कोई माया जगत कोई एक है जहां पर जीव यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा दुख कष्ट व्याधि यहाँ पर भोग करते, उनको पता ही नहीं ये जगत ऐसे कह गए। हाँ कहते जो कारण तो गोसाई से जो जीव आए हैं, कुछ जीव तो भगवान का तरफ में आ गए, कुछ जीव भगवान का तरफ में धाम में चले गए, उनको भी पता नहीं संसार के दुख में जीवन। कहते इसी जगत में जो जीव माया की जो हाँ चाकचिक्यण को देख करके यहाँ आ गए, ये जीव हम है, हमको ही दुख कष्ट वो कर रहे। आप मथुरा मठ में गए, मथुरा मठ में गए है ना, आप जब गुरु जी को ऊपर ताला में जाओगे वहां पर देखना कि पिक्चर लगा हुआ देखे होंगे, देखना एक तरफ में अंधकार जिसमें बड़े हिंस स्वभाव जानवर है, शेर है, रीछ है, सांप बिच्छू, और दूसरे तरफ में देखना एकदम उजाला उजाला दो तरफ में दो दिया हुआ, जिधर उजाला है उस तरह के साधु बड़ा हुआ, और जिधर ये जो अंधकार है बड़ा भयानक उधर एक माया खड़ी हुई, इधर एक साधु बुला रहे बोले भैया इधर आ जा, देखो सीधा ठाकुर जी को पास में जाओ, गोलोक वृंदावन दिखा रहे सीधा जहां पर कोई दुख कष्ट नहीं, सीधा ठाकुर के पास में जाओगे, और जिधर वो माया खड़ी हुई वो बुला रही है
वो दिखा रहे, देखो कितना अंधकार, जहां पर बड़े भयंकर जानवर, बड़े भयंकर दृश्य है, लेकिन उधर माया खड़ी रही है। अब देखना बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, साधु बोलता है तू इधर आ जा, वो इधर जब देखता है माया बोल तू इधर आ जा, लेकिन वो जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति वो सोच नहीं पाता हम क्या करें। वो देख रहा है इधर सीधा ठाकुर के पास में जाएंगे, लेकिन इधर देख रहा है अगर इधर जाएंगे तो केवल दुख ही दुख है और कुछ नहीं, दुख नहीं। लेकिन जो जीव है ना वो दुख में छलांग लगाता है और ठाकुर जी की तरफ नहीं जाता है, ये दुख में छलांग लगाता है। बोले भैया इसका कारण क्या? वो देख रहा है ये संसार में जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि दुखी दुख है सबके सब, ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुखी दुखी सहने का, लेकिन तभी छलांग लगाती उस माया। बोले क्यों लगाता है? बोले कारण, बोले कारण है वो जीव बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, हाँ? और जो माया है उसकी शक्ति ज्यादा है, शक्ति ज्यादा होने के नाते वो माया में ही फंस जाता है, वो ठाकुर जी के तरफ में नहीं जाता है। और जो ठाकुर जी के तरफ में जो चले गए, जो कुछ जीव है बड़े भाग्यवान जीव जो भगवान की सेवा सुख को प्राप्त करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं, कहते हैं विशेष करके हम जो इसी जगत में जो आ गए ना, वो कहेंगे कहते बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बहुत अच्छा हो गया यहाँ आ गए, उधर नहीं गए। बोले क्यों, क्या कारण है? वो कहते हम यहाँ आ गए अच्छा हुआ है हम उधर नहीं गए। बोले कारण क्या? बोले कारण है अगर हम उधर चले जाते, अगर हम उधर चले जाते हम क्या मिलता? वैकुंठ तक मिलता और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम इधर आकर के जब महाप्रभु का लाइन में हम आए, चैतन्य महाप्रभु का लाइन में हम जब आए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें भगवान गोलोक वृंदावन और महाप्रभु धाम मिलेगा हमें, जो कि वैकुंठ से श्रेष्ठ गति हमें, हाँ वैकुंठ से श्रेष्ठ गति हम लोग को मिलेगा। इसलिए बोले के जा मेरे भाई भव सिंधु पार धन्य कलि जुगेर चैतन्य अवतार। महाप्रभु कलि युग में आकर के हाँ दुखी दरिद्र किसी कोई चिंता नहीं किया। बोले भैया तुम्हारे अंदर में जो गुण वही गुण को लेकर आ जाओ, कोई क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं, केवल आ जाओ और हरिनाम रूप नाम में केवल बैठ जाओ, बस बैठ करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बस ठाकुर जी का नाम लो बेड़ा पार और महाप्रभु को धाम में सीधा। ये कहते अच्छा भक्त में ठाकुर कहते अच्छा हुआ आप इधर आ गए, महाप्रभु का लाइन में तो कम से कम आए, भले ही हम जिस लाइन में खड़े हुए हैं वो बहुत बढ़िया लाइन में खड़े हुए, भले ही लेट होगा, निर्भर करता है हम किस लाइन में तो आए, सही लाइन में तो खड़े हो गए, भले ही लेट होगा लेकिन नंबर तो आएगा एक दिन कि हम सही लाइन में हम खड़े हो गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो एक बार आ गए हाँ इस लाइन में केवल खड़े हो गए गुरु परंपरा लाइन में, हाँ जो हो गए खड़े, केवल इतना अभिमान आ जाए, जानते हो हम किसके बेटे हैं? हम सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हमारे दादा लगते हैं, परदादा लगते हैं, हम उनको बेटा के बेटा हैं। जैसे मानो आप प्राइम मिनिस्टर का कोई संबंध है आपसे, प्राइम मिनिस्टर का देखना इसी संबंध से बड़े काम हो जाता है, बड़े से बड़े काम। इसलिए श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं ये जो अभिमान हम रोज जय देते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय, नितलीला प्रवेश अशुल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, नितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय, नितलीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, नितलीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। ये जो जय हम दे रहे हैं ये जो लाइन है ना बहुत पक्का लाइन है, बढ़िया लाइन है। हम साधारण व्यक्ति के नाती होते नहीं, हम बहुत बढ़िया व्यक्ति के नाती होते हैं। कहते केवल इसी से ही हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए हम रोज ये जय ध्वनि को हम जितने सब हमारा परंपरा में सब मंजरी सखियां ही सब परंपरा में हम साधारण लाइन में हम खड़े नहीं हुए, बहुत बड़े लाइन में। कहते जैसे देखो उदाहरण देते जो मेन इंजिन है, अगर मेन इंजन को साथ में के कोयला का डिब्बा अगर लग जाए ना बड़ा भार हो जाएगी, लेकिन मेन इंजन को साथ में के सोने की भले डिब्बा हो अगर उसमें जुड़ा नहीं हो जहां तक घट जाएगी। भले हम कोयले के डिब्बे हैं
कोई गुण नहीं, लेकिन जो इंजन जिसमें हम जुड़े हुए हैं वो परफेक्ट इंजन में एक दिन जरूर आप ठाकुर को वहां से पहुंचेंगे हम। इसलिए यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, कहते जो जीव है बोले ब्रह्मांड भर में देखो न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते मानव शरीर साधारण जन्म ये नहीं है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं बोले बड़े भाग मानस तन पावा सोर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। मतलब देवताओं को भी ये मानव शरीर नहीं मिलता है। अगर कोई बोले नहीं हम तो बढ़िया कर्म किया था ना तभी तो मानव शरीर मिल गया, गोस्वामी तुलसीदास कहते नहीं, बोले देता इसे बिनो है तो सने कर्म से तुमको नहीं मिला। कहते एक ग्लास देखो एक बोतल पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, इसके अंदर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं, संपूर्ण पृथ्वी में इतनी इंसान नहीं, इतने इसी पानी के अंदर में इतना बैक्टीरिया है, हाँ? तो उसी हिसाब से देखो जगत में कितने जीव है, वो जीव का हिसाब से ये इंसान का जीवन कितना है, कुछ नहीं। एक आदमी सड़ जाए अब कीड़े बढ़ जाए, देखो विश्व ब्रह्मांड में इतने जीव नहीं, एक आदमी कीड़े बढ़ने पर जितने कीड़े बनते हैं। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों कह रहे हैं ये मानव शरीर तुमको कोई कर्म से नहीं मिला, बोले देत इस बिनो हेतु से नहीं, बिना कारण के ठाकुर जी बड़े दयाल हुए जो मानव शरीर तुमको दे दिया है। और इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कितने जगत में पशु पक्षी जानवर है, ये जगत जैसे जगत में धूल कणा को गिर नहीं सकते हो, जैसे उसी तरह जगत में जीव को गिर नहीं सकते हो, उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को कहीं ये पशु पक्षी जीवन मिलता है, उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर मिला। इसमें भी ऐसे कुछ जंगली जानवर है जिनको सभ्यता पता नहीं, कुछ लोग सभ्यता में आते हैं, जो सभ्यता में आते हैं कुछ तो पूरा नास्तिक है, कोई भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं, जो कुछ शास्त्र को मानते हैं वेद को केवल मुंह में मानते हैं लेकिन जीवन में पालन नहीं करते हैं, उनके अंदर में जो आए इसमें उसमें बहुत लोग कर्म में उनका रुचि है, हाँ? जो कर्म में कुछ ज्ञान में रुचि बोले करोड़ों ज्ञानियों में, हाँ? बोले करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक सौभाग्यवान व्यक्ति जिसको भक्ति में रुचि हुआ है, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भगवान की भक्ति में रुचि होता है, ये भगवान की भक्ति में जिनको रुचि हुई है बोले इनमें भी कहते नारायण परायण जो भक्त है ये दुर्लभ है, जो भगवान नारायण को भक्ति करते हैं ये नारायण करोड़ों करोड़ नारायण का भक्त में कोई सौभाग्यवान व्यक्ति को श्री राम भक्ति में निष्ठा होती है, ऐसे करोड़ों करोड़ जो राम निष्ठा भक्ति में किसको श्री द्वारकाधीश कृष्ण में भक्ति होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ द्वारकाधीश भक्तियों में किसको निष्ठा होता है श्री मथुरा से कृष्ण में, ऐसे करोड़ों करोड़ मथुरा से कृष्ण में किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में रुचि होता है। यहाँ गुरु जी कहते हैं आपका गुरु जी जिनको कृष्ण को जो प्रेम करते हैं वहां भी बहुत तरह तरह का, कोई दास्य रस के, कोई सख्य रस के, कोई वात्सल्य रस के, कोई मधुर रस के, ये मधुर रस में जो आने वाले इनका जो सौभाग्य था बता नहीं सकते, जो महाप्रभु को लाए नहीं विशेष करके, बोले इसमें भी जो आए हैं उसमें भी सखिया कुछ वर्ग किया है, दूसरे दूसरे संप्रदाय में भी सखी भाव से उपासना करते लेकिन सखिया है, लेकिन जो पर क्या जो भावना जो महाप्रभु जो चीज बताने के लिए आए कहती तो बहुत बहुत ही सौभाग्यवान, बहुत बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते जो व्यक्ति इसी भक्ति में आए हैं जैसे इसी महाप्रभु धारा में, ये कौन मतलब कौन आए, ये कौन कौन आए इसमें, बोले जिन जिन्होंने पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भगवान और उनको भक्त के लिए कोई अपने अच्छे कर्म किया है, किसी साधु को दान दक्षिणा दे दिया, किसी ठाकुर को सेवा में कर दिया, तुलसी परिक्रमा किया, धाम में गए, गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले
कोई एक साधु था बड़े दयालु, गांव में भिक्षा के लिए आता था, लेकिन एक बुढ़िया थी बड़ी कंजूसी, एक पैसा भी कोई भिक्षा नहीं देता, वो गाली करती थी। लेकिन ये संत बड़े दयालु हुए, किसी तरह से उसका उद्धार करना चाहते। एक दिन वो बुढ़िया गांव में, आपको बताओ गांव में गोबर और मिट्टी से घर को पोता लगाते, वो सवेरे सवेरे घर की पोता लगा रही थी। इतने में सवेरे सवेरे साधु वहां पहुंच गया, बोले माता जी कुछ भिक्षा दो। बोले दारी की तरफ शर्म नहीं लग रहा है तू सवेरे सवेरे आ गया हाँ भीख मांगने के लिए? वो जो पोता लगा रही थी ना कपड़े से गोबर मिट्टी से, बोले ले उसको उठाया और मारा साधु को। लेकिन साधु तो बड़े दयालु बड़े कृपालु, वो चाहता है उसको कल्याण कैसे हो। बोले भैया अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रहा था, आज तक कम से कम कुछ तो दे दिया, ये कपड़ा तो दे दिया। वो साधु वो कपड़े को लेकर के अच्छे तरह से उसको पानी में मलमल कर धोया, धोकर उसको सिखाया और उसको फार फार करके बत्ती बनाए और उसमें घी में डुबाए और शाम को ठाकुर जी को उन्होंने आरती उतारा, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराए ललिता दिसकी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभुवन सुंदर पीताम्बर सिकी कुछ थोड़ा मैं ललिता माधव वामे वृषभानु कन्या लीला वदन गौरी रूप नाना विध अलंकार करे जल माला हरि मन आरती उताया कहते वो कपड़ा का किसकी? वो बुढ़ी माँ की कपड़ा, वो बुढ़ी माता की। अभी क्या हो रहा है? कबल ठाकुर जी आरती उतार रहे, वो अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो हृदय से अपने आप बोलने लग गई, मैं तो बड़ी बुरी काम की, संत दयालु कृपालु वो कुछ लेने के लिए आए दिया तो नहीं, मैंने ये मिट्टी और गोबर से पोता हुआ कपड़े को मैंने मारा, मैंने बहुत गलती काम किया, कल जब वो साधु आएंगे उनको घर में बैठा कर उनकी सेवा में करूंगी, हाँ सेवा करूंगी। दूसरे दिन जब आए ना, दूसरे दिन तो गाली करती थी, दूसरे दिन जब उसी गांव आए बोले साधु बाबा आज मेरे घर में भी आना। बोले भैया ये क्या हो गया, ये तो गाली करती थी घर में बुला रही। फिर जब बाबा आए उनको बैठाए सेवा किया, यहाँ पर कह रहे बोले कौन, प्रभुपाद कह रहे ये कौन आया भक्ति में? बोले साधारण व्यक्ति नहीं, आप लोग जो भक्ति में आए हो आप साधारण मत समझो, आपको करोड़ों करोड़ों जन्म में का कोई सुकृति आपने किया है, बहुत अच्छे कर्म किया साधु गुरु वैष्णव ठाकुर जी ने बड़े अच्छे कर्म किए, यहाँ पर महापुरुष स्वयं कह रहे। बोले कौन भाग्यवान जीव? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं बोले भैया हमें तो गुरुदेव ने मंत्र दिया, हमें गुरुदेव ने हमें भजराम दिया, लेकिन यहाँ पर बोले गुरु कृष्ण, यहाँ कृष्ण को फिर क्या किया? गुरुदेव ने हमें हरिनाम दिया, ये कृष्ण फिर क्या किया? बोले जो कृष्ण है यहाँ तक जो हम आए हम अपनी इच्छा से नहीं आए, अब मत समझो हम खुद खुद यहाँ आ गए, नहीं खुद खुद नहीं आ गए, ये कृष्ण स्वयं लाए, क्योंकि अभी हम जो महाप्रभु धारा में आए और गुरुदेव के पास में आए महाप्रभु धारा में, प्रश्न हम और क्यों कहीं नहीं गए, और तो हम कहीं जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, देखना कौन कहाँ पर जुड़े हुए, कहाँ योग में कोई कर्म में कोई सारा दुनिया में कहीं कहीं जुड़े हुए, हम यहाँ पर क्यों आए, बोले किसने लाया हमें? इसलिए बोले गुरु चार तरह का गुरु है, एक वर्तमान प्रदर्शक, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक अंतर्ज्यामी गुरु। कदी अंतर्ज्यामी गुरु स्वयं कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हाँ ये अंतर्ज्यामी गुरु रूप में ये सारे व्यवस्था श्री कृष्ण ही करते हैं, भगवान करते हैं। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए कहते भक्ति लता बीज, कहते भैया ये भक्ति लता बीज क्या है? कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, रूप गोस्वामी कहते हैं कहते गुरुदेव क्या ये बीज देते हैं? बोले नहीं, कहते हर जीव के हृदय में ऑलरेडी एक भाव विद्यमान है, बोले नित्य सिद्धस्य भावस्य, जीव का अंदर में जो नित्य सिद्ध भाव है वो ऑलरेडी जीव का अंदर में कहे,
किसका दास्य किसका सख्य किसका वात्सल्य मधु, सबके हृदय में एक भावना है ऑलरेडी भावना, किंतु अभी वो ढका हुआ है। इसलिए उदाहरण देते हैं कि जैसे 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 समुद्र में एक सीप होता है, उस सीप का ऊपर में एक स्वाधीन नक्षत्र का पानी जब गिरता है वो सीप में वो मुक्ता बनता है, लेकिन ऑलरेडी उस सीप का अंदर में वो चीज था, लेकिन वो गिरा जब स्वाधीन नक्षत्र का पानी वो जड़ मुक्ता बन गया। बोले हाथी को सिर पर गिरने पर गज मुक्ता बनता है, गैया की खूर पे पड़ने पर गोरोचना बनता है, केले के वृक्षों के ऊपर पड़ेगा तो कर्पूर बनता है, और कहते श्री कहते हिरण को ऊपर पड़े तो बोले कस्तूरी बनता है, हाँ? लेकिन ऑलरेडी उनका अंदर में वो सब चीज है, हाँ? ऑलरेडी है, लेकिन वो जो उनको जो स्वाधीन नक्षत्र का पानी पड़ते ही झट भाव प्रकट होता है। कहते हमारे हृदय में भी वो एक एक भावना ऑलरेडी है, लेकिन जब साधु की कृपा होता है, जब साधु का संग हमें मिलता है, उनके संग से ही कृपा से ही वो भावना धीरे 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 साधु कृपा से वो प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, हाँ? इसलिए बोले कहते वो क्या है, बोले अन्याभ्यासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। वो जो श्रद्धा है जो उत्तम भक्ति है, कहते इसका ये लक्षण है जिसमें कोई किसी तरह का कोई अभिलाष हृदय में नहीं रहे, ज्ञान कर्म को द्वारा ढका नहीं हो, जो काम करने पर भगवान की रुचि माना प्रवृत्ति भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम ऐसे भक्ति करेंगे फिर धीरे 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 उसमें पहले अंकुर फिर दो पत्ते फिर उसमें टहनिया फिर उसमें फूल और सुंदर फल आएगा, बड़ा सुंदर सुंदर, जिसमें कोई गुठली नहीं, जिसका छिलका नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, पास पहले मोहर और रसी का भूमि भाव का रस को पीते रहो और रस को खाते रहो। इसलिए बोले मुंह रहो रसी का भूमि भाव का, उसको रस को वो फल को दिव्य जो फल है क्या करो, बोले खूब पियो खूब पियो। बोले भैया पियेंगे पियेंगे, बोले हाँ, बोले पियो, बोले पहले आपने बोल दिया वो फल है, फल को थोड़ी पीते है, फल को तो खाते है, आप बता रहे फल को पियो। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका नहीं गुठला नहीं, जिसमें रसी रस, जिस रस को अभी पी रहे हम, जो कि रस को पीते है किधर से पीते है, मुंह से, लेकिन अभी जो पी रहा है किधर से पी रहा है, कानों से। ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से नहीं पिया जाता, जिसको कान से पिया जाता। बोले भैया इसको कब तक पिएंगे, बोले इसको कब पिएंगे, बोले आलयम, बोले पी 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 करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाओ तब तक पियो। बोले भैया जब उठेंगे बोले फिर पियो, जैसे शराबी होते हैं ना, जैसे शराबी होते हैं वो पी 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 कर बेहोश हो जाते, जब उठते हैं फिर उसको भी पीते हैं। बोले भैया इसको छोड़ना नहीं, इसलिए मुंह मुंह उसको पीते ही रहो, छोड़ना नहीं, इसलिए मुंह मुंह। बोले भैया पीते तो है लेकिन वो टिकता नहीं अंदर, वो कल इसमें छेद ही छेद है, एक तरफ में पीते ही है और दूसरी तरफ से वो निकल जाता है, वो रहता ही नहीं, फिर क्या करे क्या करे। तब एक उदाहरण दिया जैसे एक कलसी हो, हाँ एक कलसी हो, कल इसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालो तो वो सारे पानी निकल जाता है, लेकिन ऐसे क्या उपाय है, वो पूरा का पूरा छेद रहेगा लेकिन पानी डालो ना एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा, वो एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। बोले क्या उपाय, बोले मुंह रहो। इसका मतलब है अगर वो कलसी को संपूर्ण पानी में अगर डुबो करके रख लोगे, कलसी में पानी अगर डालोगे तब निकलेगा, अगर वो कलसी को पूरा पानी में डुबो करके रखोगे ना, भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन पानी नहीं निकलेगा, वो पानी नहीं निकलेगा कि उसको पूरा पानी में पूरा उसको पानी में डुबो दिया है। कर उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम नित्य निरंतर हमारा अंदर में काम क्रोध लोग बहुत अनर्थ है, हम तो बद्ध जीव तो अनर्थ रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अगर हम नित्य निरंतर ठाकुर जी कथा सुनते रहे, ठाकुर जी के नाम सुनते रहे, भक्ति की बात सुनते रहे, सुनते 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 एक दिन तो मन में वो चीज आएगी, नहीं भैया रोज रोज सुनते हैं, तिलक लगानी चाहिए, ठाकुर जी का नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए, ठाकुर जी का कीर्तन करनी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, तुलसी में रोज रोज जब कोई बात सुनोगे, हाँ क्या होगा, जरूर एक दिन ना एक दिन वो असर करेगा ही, वो करेगा। इसलिए बोले भैया, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं गुरुदेव तो बीज तो दे दिया हृदय में बोध दिया, लेकिन श्रवण कीर्तन चले
करे सचन। अभी हम माली है, अभी माली बनकर कृष्ण अभी नित्य बोले नित्य श्रवण कीर्तन जले, रोज भगवान की कथा सुनना, उनका नाम करना, तिलक करना, हरिनाम करना, बहुत रोज ये काम करनी चाहिए। करते 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 जितना जो अच्छे तरह से ये भक्ति के अंग जाजन करेगा हाँ? जैसे गुरु जी के पास हम गए, टिकट बनाया तो है लेकिन टिकट अगर पॉकेट में रख देंगे थोड़ी पहुंच जाएंगे स्टार पर, फिर तो हमको स्टेशन में जाना पड़ेगा, फिर बैठोगे फिर तो लेकर पहुंच जाएगा। गुरु जी को तो पास में आ गए, ठाकुर तो यहाँ तक कृपा करके ले गए, अभी हमारा कर्तव्य और थोड़ा आगे बढ़ाओ, हमारा काम है और थोड़ा आगे बढ़ाओ हाँ? गुरुदेव तो यहाँ, ठाकुर तो यहाँ तक ले आए, इसको आगे अभी हमें साधन भजन, हमें संख्या पूर्वक नाम गान नती, हमें अभी संख्या पूर्वक जो जितने अच्छे तरह से उसमें पानी ठीक ठीक से देता रहेगा, वो पेड़ में रखवाली करेगा, उतना जल्दी उसका वृक्ष में फूल आएगा, सुंदर सुंदर फल आएगा हाँ? फिर वो बढ़ते 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 ब्रह्मांड को भेद करेगा। अरे ब्रह्मांड भेद करने का मतलब क्या है, कहते ब्रह्मांड को भेद कर जाएगा, मतलब है हम लोग जो गुरु जी से जो मंत्र हमें मिला है, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, कृष्ण मंत्र जो मिला, वो साधारण वस्तु नहीं, ये ब्रह्मांड अंतर्गत है, उसका कोई स्थान नहीं। इसलिए ब्रह्मांड को पार करके वैकुंठ, वैकुंठ से फिर अयोध्या द्वारा का पार करते सीधा गोलोक वृंदावन पार, क्योंकि जो बीज है, जो कृष्णा है, गोविंद है, जो शब्द है, ये हम कृष्ण भक्ति के लिए काम देव ये है, वो राधा रानी के प्रेम है, इसलिए हमें लेकर के सीधा गोलोक वृंदावन में पहुंचा देंगे, सीधा ठाकुर के चरण में, बस ठाकुर का चरण में लपट करके राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है ऐसे पीते रहेंगे, पी पी करके बाद जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और पांच मिनट और पांच मिनट और पांच मिनट सुन लो राधा रानी कथा सुन लेते, इसलिए देखो महाप्रभु जगत में आने का उसका चार कारण है। जितने हम कारण सुने कल तक, उसमें दो कारण, एक तो साधारण कारण, एक साधारण में एक विशेष है, और विशेष में एक साधारण, और विशेष में जो विशेष है, मतलब सबसे जो श्रेष्ठ कारण है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कभी साधारण वस्तु नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जिसमें केवल राधा रानी की महिमा है, कहते भैया इसका तो अधिकारी जगत में कोई नहीं है। उन्होंने जो राधा रानी कथा उन्होंने सुनाई, बोले इसका अधिकार जगत में नहीं है, वो साधारण वस्तु नहीं राधा रानी का प्रेम है, साधारण जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं हाँ, तो वो साधारण प्रेम की बात नहीं। बोले फिर आपने क्यों बताया, फिर चैतन्य चरितामृत में बात क्यों बताए, कृष्णदास के प्रयास को स्वयं स्वयं कहते, बोले अगर ये बात को मैं नहीं बताऊंगा फिर ये जगत से ये बात अंतर्ध्यान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे एक चीज है, जीव एक दिन वो वस्तु को प्राप्त कर सकता है, एक दिन प्राप्त जगत में कोई ना कोई व्यक्ति अधिकारी तो होएगा जगत में, अगर कोई चीज छुड़ाओगे नहीं तो वो चीज को तुम पाने के लिए लोभ कहां से आएगा, लोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया जैसे नीम, कहते नीम पत्ते को और उसका फल को कौन खाता, बोले कौवा खाता है, लेकिन आम में जो मकुल है, आम जो उसमें मीठा है उनको कौन पीता है, बोले इसको कोयल पीता है, इसको कोयल, वो आम रस को कोयल पाता है, और नीम को कड़वा को कौन कौवा खाता है। कि जगत में कोई कोई कोयल भी है जो लोग केवल भगवान की जो ये मधुर रस को जो पान कर सकते हैं, वो कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन मेरे को डर भी है कुछ, बोले डर क्या है, अगर अनधिकारी व्यक्ति अगर इस चीज को सुनेगा पड़ेगा अरे वो अनर्थ कर देता है, वो चीज को समझ नहीं पाता, इतने राधा कृष्ण की हाई फाई प्रेम को और समझ नहीं पाता। वो कह रहे हैं अगर वो व्यक्ति नहीं पढ़े तो अच्छा ही है, मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको अंदर में ये लोभ है वो पढ़े और वैसे साधन करे वो चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई चीज को पता चले धीरे 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 कोशिश करके एक दिन हमें ये चीज हमें भी एक दिन प्राप्त हो। इसलिए वो लास्ट में ही बात कहते हैं, बोले महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, बोले कारण बताए, जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु कृष्ण इस जगत में आए, कृष्ण सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया, दास्य सख्य वात्सल मधुर, उन्होंने सारे रस को उन्होंने पूर्ण रूप में जो इच्छा थी सब इच्छा को उन्होंने पूरी की, पूरी करके जब कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल,
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उन्होंने सारे उन्होंने रस को उन्होंने आस्वादन की, आस्वादन करके जब चले गए गोलोक वृंदावन में, एक दिन निकुंज में बैठ करके बड़े गहरा चिंता में बैठे हुए और सिर पर हाथ रख कर बोले क्या सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो इच्छा थी मैंने सब इच्छा को पूरी कर दी, लेकिन एक चीज मेरे तो दिमाग से ऊपर चला गया, संपूर्ण दिमाग से ऊपर चला गया एक चीज। बोले वो क्या चीज है, बोले जो राधा रानी का जो प्रेम की महिमा है, हाँ? राधा रानी मैं स्वयं कौन हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं रस स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरे से भगवान असमर्थ तत्व है, मतलब उनकी बड़ की बात छोड़ दो, उनको बराबर भी जगत में कोई नहीं, हाँ? लेकिन सारा दुनिया का मैं मालिक हूँ, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण सब कारणों का कारण मैं हूँ। लेकिन एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आया, बोले क्या है, बोले राधा रानी मैं स्वयं में अपना रस को जितना आस्वादन करता हूँ, ये राधा रानी मुझे दर्शन करके उसको अंदर में जो प्रेम है मेरे को जितना रस आस्वादन उससे सौ करोड़ों गुण जो ज्यादा आनंद, एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं, बल मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद, ये चीज तो बड़ा आश्चर्य, करोड़ों गुण आनंद है, ये बड़ा आश्चर्य मेरे को लगता है। और राधा रानी का जो प्रेम है विश्व ब्रह्मांड को मैं नचाता हूँ, लेकिन राधा रानी का प्रेम मेरे को नचा देती है, हाँ? ये क्या चीज है राधा जी के अंदर में जो ये मुझे नचा देती है, भले जैसे प्रेम है कहते बढ़ते 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 एक तो सीमा होता है ना, इसको बाहर और नहीं जानी चाहिए, लेकिन राधा रानी का प्रेम बढ़ते 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 एक सीमा तक जाती है जिसको ऊपर और जाने का कोई संभव नहीं, लेकिन उसको ऊपर में भी और प्रेम बढ़ती रहती है, उसको ऊपर में भी प्रेम बढ़ती रहती है राधा जी की प्रेम। भैया ये क्या चीज मेरे को भी, हाँ दोनों को प्रेम में होड़ लग जाता है, राधा जी का प्रेम को देखे कृष्ण का प्रेम बढ़ जाती, कृष्ण प्रेम देखे राधा रानी की, ऐसे बढ़ते बढ़ते होड़ लगते रखते रखते थे, राधा रानी का प्रेम एक दिन इतने ऊंचा चले जाते कृष्ण प्रेम, और कृष्ण वहां नहीं पहुंच पाते, कहते कि माधना खे के मां भाव है जहां पर कृष्ण भी जिसका कोई था नहीं पाते। बोले भैया है क्या चीज, कहते ये कारण है। दूसरा कारण बताए, कहते मेरा जो स्वरूप है, हाँ, मैं जो स्वरूप भगवान रसम ऐसा रसम जवायाम लब्धानंद प्रभु, भगवान सारे रस का मूर्तिमान स्वरूप है, अखिल रसामृत मूर्ति सारे रस का मूर्तिमान स्वरूप भगवान कृष्ण, हाँ, और जगत में मैं इतना सुंदर, मैं इतने सुंदर हूँ जिसका कोई था नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरी सुंदरता को देख करके पागल बन जाते, लक्ष्मी स्वयं कृष्ण की सुंदरता को सुन ली तो वैकुंठ छोड़ दी, बेलवन में तपस्या कर रही है, हाँ? बोले उनकी बात छोड़ दो, नारायण जब मेरी सुंदरता की बात छोड़ते हैं वो वैकुंठ छोड़ कर और क्या कर चोरी करने लग जाते हैं, बच्चों को चोरी चोरी करके ले जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए नारायण, कहते इनकी बात छोड़ दो मैं इतने सुंदर हूँ, मैं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का रूप को जो मथुरे से कृष्ण सुनते हैं, कृष्ण कितने सुंदर है मथुरे से कृष्ण जो ब्रज का, बोले वासुदेवर हमारी वासुदेवर को कृष्ण ने माधुर्य सुनी, बोले मथुरा से कृष्ण के हृदय में भी मेरे रस आस्वादन करने की इच्छा होता है ये कृष्ण, और मैं जब मेरे रूप को देखता हूँ मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, भैया इतना सुंदर जगत में कोई है जगत में इतने सुंदर कृष्ण, लेकिन इसको कौन आस्वादन करती, बोले राधा रानी, ये पूर्ण रूप में राधा रानी, इसलिए कब मैं राधा बनी, राधा रानी जैसे कृष्ण को आलिंगन करती है मैं राधा बन कर कब मैंने कृष्ण को आलिंगन करूं, कहते मेरे अंदर में माधुर्य किया है। और कहते राधा रानी का जो प्रेम गोपियों का प्रेम की एक अद्भुत और एक अद्भुत चीज है जिसमें किसी तरह का कोई संसार की कामना वासना नहीं, हाँ? राधा रानी गोपी जैसे हम श्रृंगार करते हैं, हम शीशा में खड़े होकर श्रृंगार क्यों करते हैं, अपना भोग मेरे को देख करके खुश होगा हम स्वयं भोग करेंगे, लेकिन ये गोपियां राधा रानी जब श्रृंगार करती है इनका हृदय में कोई भावना नहीं, कृष्ण कैसे देख कर खुश होंगे, जब कृष्ण गोपियों को देख कर खुश होते हैं, ये गोपियों को कृष्ण को जितना आनंद है उसे हजारों गोपियों करोड़ों गोपियों की भावना बढ़ जाती है, कृष्ण हमें देख कर खुश हुए, बाबा वो जो काजल लगाती है तिलक लगाती है अपना शरीर को श्रृंगार केवल कृष्ण सुख के लिए, जिनके हृदय में तनिक भी कोई संसार की कोई भावना नहीं,
कोई जड़ कोई काम नहीं, विशुद्ध प्रेम इनका अंदर में, संपूर्ण शुद्ध प्रेम है। हाँ, इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी का प्रेम भी क्या महिमा, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, और मेरे माधुर्य को प्राप्त करके उनको क्या आनंद होता है। बोले जब तक मैं राधा रानी नहीं बन जाऊंगा तब तक ये चीज का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने दो चीजें उन्होंने उधार लिया राधा रानी से, उनकी भाव और एक अंगकांति, दो चीजें उन्होंने उधार लेकर के जगत में श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके इस जगत में आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। बोले इसी चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत रूप में बताया, मैं ज्यादा नहीं बताया, इसलिए मैं भी अधिकार नहीं हूँ राधा रानी के प्रेम की महिमा। हाँ, कहते जब प्रेम सरोवर में कृष्ण जहाँ देखकर चमत्कृत हो जाता है, राधा रानी कृष्ण को गोद में राधा रानी बैठी हुई, लेकिन मधुमंगल ने कहा मैंने मधुसूदन को भगा दिया, जिसको सुन करके राधा रानी गोद में बैठी हुई कृष्ण की, यही से उसके अंदर में हाँ भावना प्रकट हुई, जिसको देखकर आश्चर्य हो गई। उद्धव जब श्री उद्धव किया राधा रानी की भाव को देखे, कैसे कमल सज्जा के ऊपर राधा रानी को लेटा दिया, कृष्ण स्वयं भ्रमर बन करके उनका चरण में बैठना चाहता है, कृष्ण स्वयं और राधा रानी बड़ी टेढ़ी बड़ी 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 वचन बोल रही थी, जिसको संजल्प अभिजल्प विजल्प प्रजल्प बड़ी बड़ी अद्भुत गोस्वामियों ने उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में तो रूप गोस्वामी क्या क्या उन्होंने राधा रानी के भाव को चमत्कार तक बताए। इसलिए उस हमारे ग्रंथों में गोस्वामी ने अद्भुत अद्भुत राधा जी की महिमा को अद्भुत अद्भुत रूप में बताई। इसलिए इसी कारण को लेकर कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव और अंगकांति को लेकर जगत में आते हैं। इसलिए कल हम लोग हमारी कथा लास्ट है, कल हम लोग जगन्नाथ जी कथा सुनाएंगे। ये जगन्नाथ क्यों ऐसे बन गए, ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो अद्भुत अद्भुत जगन्नाथ जी का स्वरूप है। हाँ, जगन्नाथ जी ऐसे क्यों बने, महाप्रभु किसी भाव को साथ में ये रथ यात्रा करते थे, और राजा स्वयं गजपति, हाँ स्वयं कैसे रथ को सामने झाड़ू लगाते, इनकी बात छोड़ दो, महाप्रभु स्वयं झाड़ू लगाते हैं, नित्यानंद प्रभु अद्वैत सब मिलकर झाड़ू, क्या इसमें रहस्य है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, इसको सुनेंगे। और कल गिरिराज अन्नकूट की कल कथा लास्ट में गिरिराज की कथा सुन करके हम कथा को समाप्त कर देंगे। और कल सब लोग अपना घर से हरे कृष्णा, सब कल अपना घर से गिरिराज के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाकर लाना, क्योंकि कृष्ण स्वयं गिरिराज जी स्वयं बताए, मेरे सेवा में जो एक खिड़ी का चावल का दाना कोई भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगा, ये भगवान की मुंह से ये शब्द निकला हुआ है, उनकी सेवा में एक बार जो कुछ लगाए। इसलिए कल सब के सब कुछ ना कुछ गिरिराज की सेवा के लिए कुछ ना कुछ लाएंगे, पास यहीं पर बैठ करके कल सब प्रसाद चकाचक छापान भोग और छत्रिज व्यंजन यहीं पर हम प्रसाद सेवा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरी।